Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, friends, the voice is finished, okay? और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कन्वर्सेशनल वॉइस क्या होता है और उसको हम बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. Friends, today I am going to teach you the special वैसे sentences जो पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध होता है, मीन्स जिसका योजना, जिसका प्लान पहले से किया हुआ होता है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. When will you go to Mumbai, Viraj? I will go to Mumbai tomorrow. What is the matter, Anjani? Why do you want to know this? Just for nothing. I also have to go to Mumbai. I never gone to Mumbai. Why do you want to go? I have to go to see the Gateway of India. I will also see Gateway of India. I also want to go to Mumbai. Very nice. It will be great fun if you come with us. I have to buy some dress for New Year's. But when will you come back? The next day will come. Okay then. Well, see you at station tomorrow morning. Okay. Okay friends. तो लेट्स स्टार्ट. पूर्व निर्धारित योजना वाले सेंटेंस मीन्स कोई भी काम जिसकी योजना हम पहले से करके बैठे होते हैं, मतलब वो उसका निर्धारित होता है, उसका समय निर्धारित होता है कि वो कब होगा, कितने बजे होगा, तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं. वैसे देखने में देखो, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो सिंपली अगर हम बोलेंगे तो द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो. ये भी चलता है बोलचाल में, बट ग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं पर द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रधानमंत्री कल आता है, कल आएंगे. उसका मतलब भी प्रधानमंत्री कल आएंगे. इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि आप सोचेंगे कि हम द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो क्यों नहीं बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो ऐसा क्यों बोलेंगे. दोनों का मतलब कल आएंगे तो मीन्स फ्यूचर से क्यों नहीं बना रहे हम. यही है, बस यही बताना है आपको कि ये पूर्व निर्धारित योजना है. पूर्व निर्धारित योजना मीन्स जिस काम की योजना पहले से तय करके रखी गई हो कि कब होगा और कितने बजे होगा, तो वो पूर्व निर्धारित योजना वाले सेंटेंस होते हैं. और वो फ्यूचर टेंस में होने के बावजूद भी उसको हम प्रेजेंट एंड इंफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी आपको स्टोरीज में, बुक में या कोई बोलते हुए भी मिल जाएगा. कभी कभी कोई आपको बोल देगा कि द ट्रेन स्टार्ट्स टुमारो, कल स्टार्ट होगी, तो आप मतलब ये मत कन्फ्यूजन में रह जाना कि ट्रेन स्टार्ट्स टुमारो, कल शुरू होता है, ऐसा होगा. ऐसा नहीं, फ्यूचर टेंस में देखो, सारे के सारे सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है. प्रधानमंत्री कल आएंगे, मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, जितने भी सेंटेंस हैं आपको फ्यूचर में नज़र आएंगे फ्यूचर में, बट इसका इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है. जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और उसको कैसे बनाते हैं बताने की जरूरत नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो. द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम है, हम उसी हिसाब से बनाएंगे, उसी फॉर्मूले से बनाएंगे. बिल्कुल ही अंतर नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं होगा. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है बनाने का, उसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे. इसमें हम फ्यूचर टेंस शैल या विल नहीं लगाएंगे. हाँ, अगर हम लगा देते हैं, लगाकर बोलते हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मीन्स बहुत बड़ी गलती नहीं है. समझ जाएंगे, सामने वाला समझ जाएगा, समझ जाता है, और इसका मतलब भी यही होता है, तो बोलचाल में चलता है. बट एक सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तरीका क्या है इसका बनाने का, ठीक है फ्रेंड्स? मैं अगले वर्ष शादी करूँगा, आई मैरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है फ्रेंड्स? टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, कल मतलब वो निर्धारित किया हुआ है, योजनाबद्ध है कि कल शुरू होगा. टाइमिंग वाइमिंग सब सारे के सारे चीज़ फिक्स है. पूर्व निर्धारित योजना है ये, तो फिर हम इसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, वह दिल्ली के लिए कल रवाना होगा। तो ही स्टार्ट्स टू दिल्ली टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मतदान कल शुरू होगा? तो डस पोल स्टार्ट टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी वक्त मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बोलते हैं, या बहुत सारी किताबों में, स्टोरीज में भी मैंने पढ़ा है, तो ऐसा लिखा रहता है, बट उसका मतलब वही नहीं होता है जो लिखा रहता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में सेंटेंसेज इंग्लिश में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उसका जब हिंदी करेंगे तो उसका हिंदी इस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस में होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि पूर्व निर्धारित योजना वाले सेंटेंसेज फ्यूचर में होते ज़रूर हैं, बट उसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बेधड़क बनाना, आप बिल्कुल ही डरना मत, ये गलत नहीं होगा, सही होगा। काफ़ी कम लोग जानते होंगे इस चीज़ को, बट दिस इज़ द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।